सब्सक्राइब कीजिए बजिस बर्ड लवर चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड चैनल। उम्मीद है सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। आज की हमारी वीडियो है बजिस की डाइट को लेकर। आज मैं आपको ऐसी 6 ऐसी डाइट बताऊंगा जिसको देने के बाद आपको किसी किस्म के ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्ड्स भी सेहतमंद रहेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पहले नंबर पे हमारे पास है पालक, जो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसमें बहुत से विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं और आपको किसी किस्म की कैल्शियम सिरप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके बर्ड्स सेहतमंद रहते हैं और इससे आपके जो कैल्शियम की कमी होती है बर्ड्स को वो पूरी होती है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है मेथी। मेथी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं जो आपके बर्ड्स को प्रोवाइड होते हैं, जो आपके बर्ड्स जिससे सेहतमंद रहते हैं और वो बीमार भी नहीं होते। और आप अपने बर्ड्स को मेथी प्रोवाइड करें, ये सर्दियों में बहुत मुफीद होती है और इससे सर्दी भी नहीं लगती और आपके बर्ड्स सेहतमंद रहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है गंदम। आप अपने बर्ड्स को गंदम प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर गर्मियां हैं तो आप अपने बर्ड्स को गंदम भिगो के प्रोवाइड करें और अगर सर्दियां हैं तो आप अपने बर्ड्स को उबाल के प्रोवाइड करें, क्योंकि उबालने से इसकी जो तासीर होती है वो गर्म रहती है और भिगोने से इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास है बूटा। आप अपने बर्ड्स को बूटा भी दे सकते हैं, ये बूटा बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं। और पांचवें नंबर पे हमारे पास फूड में आप अपने बर्ड्स को राइस प्रोवाइड कर सकते हैं। राइस उबाल के आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। चिक्स जो होते हैं बर्ड्स के वो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि नरम गज़ा होती है, इसकी वजह से वो बहुत शौक़ से खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद होती हैं राइस। तो आप अपने बर्ड्स को उबाल के राइस दें। छठवें नंबर पे हमारे पास एग और ब्रेड है। आप एग को मैश करके और ब्रेड को भी मैश करके दोनों को मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और अच्छी ब्रीड भी करेंगे, क्योंकि एग जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है और अगर आपके बर्ड्स इसे खाएंगे तो आपके बर्ड्स हैं वो अच्छी ब्रीड भी करेंगे।